की जेब में 1 लाख रुपए है और 4 साल में 300 करोड़ हो जाते हैं। ये आरएसवीपी मॉडल है, आरएसवीपी आर राहुल, एस सोनिया, बी वड्रा, पी प्रियंका। मेरे पति के बारे में बहुत बातें कही जाती हैं, मुझे दुख होता है। यूपी में हाशिए पर पहुंची कांग्रेस ने अपना सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। ये दांव है प्लान पी, यानी प्रियंका गांधी। उधर 2014 में पीएम मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व और उनकी वाक्पटुता के सहारे ऐतिहासिक कामयाबी हासिल करने वाली बीजेपी एक बार फिर उन्हीं के भरोसे मैदान मारने का दम भर रही है। कांग्रेस को प्रियंका के संवाद कौशल से काफी उम्मीदें हैं। उसे लगता है कि प्रियंका अपने बातचीत करने के अलहदा अंदाज और भीड़ के साथ जीवंत और सहानुभूतिपूर्ण संवाद कौशल से पार्टी में एक नई राजनीतिक ऊर्जा का प्रवाह कर सकती हैं। वहीं बीजेपी को भरोसा है कि पीएम मोदी की अलहदा भाषण शैली के आगे प्रियंका कहीं टिक नहीं पाएंगी। प्रयास तो करेंगे ही, और इसी प्रकार कोई भी अपना नया ब्रांड लाता है तो इसी प्रकार शोकेस करता है, तो शोकेस कर सकते हैं, करना भी चाहिए उनको। अभी तो जनता जानती है कि वर्तमान में जो कांग्रेस के पास नेतृत्व है, वह नेतृत्व कितनी पीढ़ी तक अपने पूर्वजों की राजनीतिक प्रतिष्ठा का लाभ लेगा। कुछ चुनौती मानते हैं प्रियंका गांधी को बीजेपी के लिए? बिल्कुल नहीं। इन्हें बीजेपी के नेता बौखला गए हैं, उल जुलूल बयान दे रहे हैं, ये दिखाता है उनकी घबराहट। प्रियंका जी के आगमन से कांग्रेसजनों में तो उत्साह है ही, प्रदेश भी, उत्तर प्रदेश एक देख रहा है कि एक मजबूत विकल्प बन के कांग्रेस उभरेगी। बीजेपी नरेंद्र मोदी की वाक्पटुता पर निर्भर है, लेकिन इस क्षेत्र में प्रियंका के हमलों से उसे सावधान रहने की भी जरूरत है, क्योंकि वो इस तरह की चुनौती पेश कर सकती हैं जिसका बीजेपी ने बीते 4.5 सालों में सामना नहीं किया है। बीजेपी को इसके अलावा भीड़ को आकर्षित करने की प्रियंका की कला को भी सावधानी से देखना होगा कि क्या वो नेहरू और इंदिरा गांधी के करिश्मे को दोहरा सकती हैं। लोकसभा चुनाव से 74 दिन पहले कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा को महासचिव बनाया और पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी। जिस पूर्वांचल की जिम्मेदारी प्रियंका को मिली है वहां 30 सीटें हैं, साथ में अवध की 12 सीटों की जिम्मेदारी भी प्रियंका पर है, यानी कुल 42 सीटें प्रियंका के जिम्मे हैं। साल 2014 में इन 42 सीटों में से कांग्रेस ने 2 सीटें ही जीती थी। ये इलाका फिलहाल बीजेपी का गढ़ माना जाता है। वाराणसी से पीएम मोदी सांसद हैं, जबकि सीएम योगी गोरखपुर से आते हैं। दोनों ही नेता अपनी बेबाक भाषण शैली के जरिए वोटरों को अपने पाले में खींचने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने प्रियंका पर दांव खेला है। उसे पूरी उम्मीद है कि गांधी परिवार के करिश्माई चेहरे को मैदान में लाने से पार्टी में उत्साह का नया संचार होगा, जिसका कार्यकर्ता लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। कांग्रेस प्रियंका के चेहरे के सहारे माहौल खड़ा करने की कोशिश में है, जिससे मोदी लहर का सामना किया जा सके। प्रियंका को लेकर वो फ्रंट फुट पर खेल रही है। वाराणसी में तो प्रियंका को पीएम मोदी के सामने उतारने के पोस्टर तक लग रहे हैं, यानी 2019 का चुनाव यूपी में प्रियंका बना मोदी होता दिख रहा है। अनुभव सभी क्षेत्रों में मायने रखता है, और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनुभव काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबा चौड़ा राजनीतिक अनुभव रहा, और उनका बैकग्राउंड जो है RSS और संघ का बैकग्राउंड रहा, जो जिसमें उनको अपना बोलने में महारत हासिल होती है। तो निश्चित रूप से जिस तरह से शिक्षा दीक्षा या जिस तरह से राजनीति में कदम रखा है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनसे बहुत ही डिफरेंट आई है प्रियंका गांधी राजनीति में। प्रियंका गांधी एक विरासत की राजनीति कर रही हैं, गांधी परिवार से हैं, स्वाभाविक सी बात है, मानना पड़ेगा। ठीक है, उनकी छवि है, उनको लोग जुझारू तेवर वाले राजनीति के रूप में जान सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने रायबरेली, अमेठी के अलावा कहीं चुनावी रैलियों में भी हिस्सा नहीं लिया है, तो स्वाभाविक सी बात है अभी उनको इतना परिपक्व होने में समय लगेगा। मैं नहीं समझता हूं प्रियंका गांधी अपने भाषणों से कभी प्रधानमंत्री जी को टक्कर दे पाएंगे। लोकसभा चुनाव में बमुश्किल 2.5 महीने बचे हैं। ऐसे में प्रियंका के पास संगठन मजबूत करने का वक्त नहीं बचा है। वो अपनी खास भाषण शैली और लोगों से घुल मिल जाने के खास अंदाज से ही पीएम मोदी को चुनौती दे सकती हैं, लेकिन ये काम भी इतना आसान नहीं दिखता, क्योंकि मोदी के भाषण की मुरीद पूरी दुनिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।